हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं पनीर ढावा स्टाइल। तो ये हमारे बालकनी का पहले आप नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पेड़ पौधे और ग्रीनरी से हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे बालकनी का आप लोगों को मैं एक व्यू दिखा रही हूँ। ये हमारा मेन रोड पर है, तो ये हमारा बालकनी का व्यू है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढावे स्टाइल का पनीर। तो ये हमारा करीब 300 ग्राम के करीब पनीर होगा। तो ये हमारा पनीर है, देखिए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको दिखा दूँगी। इतने इस पनीर में क्या क्या जाएगा, तो ये हमारा कटा हुआ प्याज है, ये एक प्याज मैंने काट के रखा है बारीक, और ये टमाटर प्यूरी है, टमाटर का कच्चे टमाटर को मैंने पीस लिया है, और ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये है हमारा प्याज का पेस्ट। इस प्याज के पेस्ट में थोड़ा सा गरम मसाला भी है, जैसे लौंग, इलायची, गोल मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारे को मैंने एक साथ पीस लिया है इसमें। तो ये इसका प्याज का पेस्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इधर हमारा फ्राइंग पैन हो गया है गरम, और इसमें अब हम डाल देते हैं ऑयल। तो चलिए इसमें हम ऑयल डाल दें, और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पनीर को थोड़ा सा फ्राई करना। तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया, मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। तो हमारे इधर मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये मस्टर्ड ऑयल मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये गरम हो जाएगा, तो इसमें हम अपना पनीर फ्राई करेंगे। ये हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें मैं अपने पनीर को हल्का हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप नहीं करना है, बस हल्का ही फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, चलिए थोड़ा सा गोल्डन, हल्का गोल्डन हो जाएगा, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। पनीर फ्राई हो चुका है, मैंने इसे बहुत लाइट फ्राई किया है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है, इस ऑयल में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हैं, बट मैं इसी ऑयल में अब जो मेरा कटा हुआ प्याज है पहले इसको डालूँगी, ठीक है। के बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि वो अगर डाल देते ना पहले तो वो जल जाता है कभी कभी, इसलिए प्याज के साथ डालेंगे तो साथ में वो फ्राई हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा अदरक, लहसुन और मिर्ची का ये गया, सबको थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद हम प्यूरी डालेंगे, सॉरी पहले प्याज का पेस्ट डालेंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा बाहर के साउंड को अवॉइड करिएगा, ये मेरे मेन रोड पे मेरा घर है, तो यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलते रहती हैं, उसकी आवाज़ आते रहती है। ये हमारा फ्राई हो रहा है, और इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट, प्याज और गरम मसाला, और इसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, जिसमें मैं अब एक्स्ट्रा मसाला देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, ये हल्का ढक ढक के भी फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। जब ये रेड हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे अपना टमाटर प्यूरी।
ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अभी इस टाइम हम इसमें डाल देते हैं अपना टमाटो प्यूरी, ठीक है। इन सबको हमें अभी थोड़ी देर तक पकाना है, इसे हम थोड़ी देर के लिए लो पे करके ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि ये इसका कच्चापन, जो टमाटर है, प्याज है, सबका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। और हम इसे ढक देते हैं और इसे लो पे छोड़ देंगे। देखिए अब हमारा ये भून चुका है अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम इसी टाइम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के अब इसे हम थोड़ी देर हमें और पकाना है, तो इससे पहले हम इसमें अब नमक भी डाल देंगे साथ में। पानी आप अपने इच्छा के अनुसार डालें, आपको कितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो इसमें नमक मैं डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ना आप तेज खाना पसंद करते हैं, लाइट खाना पसंद करते हैं, तो ये हम चावल के साथ खाने वाले हैं, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दूँगी। ये हो गया नमक, और हम इनमें से थोड़ी देर तक इसे हम पकाएंगे, इसके बाद पनीर का एक ट्रिक और दिखा रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी इसमें दही मुझे डाला, तो ये इसमें दही है और थोड़ा सा मलाई, और मैंने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, ठीक है। आप ये ट्राई करके देख पाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्टी बनेगा। और अब इसे धीमी आंच पे, जब कभी भी डालें अगर आप दही, हमेशा अपनी फ्लेम को लो कर दें, और अब इसमें धीरे धीरे डाल के और इसको फटाफट चलाना है, एकदम से आपको फटाफट आप इसे चला, और अभी चलाते रहना थोड़ी देर तक, इसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। और ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, ये काफ़ी टेस्टी होता है ये करने से, रिफाइन ऑयल बहुत कम, बहुत ही कम दही देना है, एक चम्मच होता है, और अगर आपको रोटी पराठे के साथ खाना है तो आप अपने दिल को और भी ठीक कर सकते हैं। फाइनल आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारा ढाबे स्टाइल का पनीर रेडी है, और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। तो आप इस स्टाइल से बनाएं और ज़रूर एक बार ट्राई करें मेरे स्टाइल से बना के। और ये आप ऊपर से आप किसी भी चीज़ से, जैसे धनिया पत्ता होता है, कड़ी पत्ता होता है, या फिर मेथी, किसी भी पत्ते से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ढाबे स्टाइल का पनीर तैयार है। एंजॉय।